किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी कुछ गायें थीं जो उसके परिवार के जीवन यापन का मुख्य साधन थीं। किशन की गायें प्रतिदिन हरी भरी चरागाहों में चरने जाया करती। लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था। वहां एक खूंखार शेर रहता था जिससे सब डरते थे। एक दिन की बात है, किशन की सबसे प्यारी गाय गौरी चरते चरते जंगल की ओर चली गई। शाम हो चुकी थी, बाकी गायें लौट आईं, पर गौरी वो नहीं लौटी। किशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब क्या करूं, उसने सोचा। गांव के लोग भी परेशान हो गए। शेर, कहीं शेर ने गौरी को शिकार तो नहीं बना लिया? किशन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी गौरी को बचाने जंगल जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे पर कदमों में हिम्मत। वह अपने हाथ में एक डंडा लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। हर आवाज जैसे डर पैदा कर रही थी। तभी उसे पास की झाड़ियों से कुछ हलचल सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और देखा, शेर। शेर उसकी गौरी के पास बैठा था। शेर की आंखें चमक रही थी और वह गुर्राने लगा। किशन का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर की आंखों में आंखें डालकर कहा, गौरी मेरी जान है, उसे मत छूना। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि मानो वह शेर से भिड़ने को तैयार था। कुछ पलों के लिए शेर ने किशन की ओर देखा और फिर अचानक शेर ने अपना सिर झुका लिया। किशन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शेर ने धीरे से गौरी को छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। किशन ने गौरी को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। वह गौरी को लेकर गांव वापस आया। गांव वालों ने किशन की बहादुरी की खूब तारीफ की। उस दिन से किशन का नाम गांव में हीरो की तरह लिया जाने लगा। और शेर, वह कभी वापस नहीं आया। अंत। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्यार और हिम्मत किसी भी मुसीबत से बड़ा होता है, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो।